नवरात्र के मौके पर धमाके करने के इरादे से हुजी के दो आतंकी गुजरात में घुस आए हैं। खुफिया विभाग ने इस बात की जानकारी गुजरात पुलिस को दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में घुसे ये दोनों आतंकी दिल्ली ब्लास्ट में भी शामिल थे। इन दोनों आतंकियों के नाम खुफिया एजेंसी ने गुजरात पुलिस को बता दिए हैं। वहीं खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने आतंकियों की खोजबीन शुरू कर दी है। साथ ही मुंबई और गुजरात में नवरात्र के दौरान गरबा खेले जाने वाले पंडालों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। दिल्ली हाई कोर्ट में RDX का इस्तेमाल हुआ था। गुजरात की एक फॉरेंसिक लैब की जांच में ये खुलासा हुआ है। GFSL की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में RDX के साथ अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि ये विस्फोटक पाकिस्तान से लाया गया था। गृह मंत्री पी चिदम्बरम के इस्तीफे की पेशकश की अटकलों और सरकार पर छाए सियासी संकट के बीच आज प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क दौरा खत्म कर देश पहुंच रहे हैं। सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री लौटने के बाद 2G स्पेक्ट्रम मामले में क्या रुख अपनाते हैं। जब से वित्त मंत्रालय का एक नोट बाहर आया है, ये सारा बवाल चल रहा है। नोट में लिखा था कि चिदम्बरम चाहते तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को रोका जा सकता था। इसी बात पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सोमवार रात वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के घर पर कई मंत्रियों की एक बैठक हुई। बैठक में चिदम्बरम के मसले पर क्या रुख अपनाया जाए, इस बात पर चर्चा की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अलावा कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और PMO में राज्य मंत्री नारायण सामी शामिल हुए। देर रात तक चली इस बैठक में मंत्रियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। राजबाला के गांव रवाना होने से पहले बाबा रामदेव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान बाबा ने राजबाला की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे UPA के माथे पर कलंक बताया। बाबा रामदेव ने राजबाला की मौत के लिए गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सीधे सीधे दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वोट के बदले नोट मामले में कथित मास्टरमाइंड सुधीर कुलकर्णी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। सुधीर कुलकर्णी ने आज 30,000 कोर्ट में स्पेशल जज के सामने सरेंडर कर दिया। कुलकर्णी की भूमिका पर कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ लोग जेल के भीतर और कुछ लोग बाहर क्यों हैं। अब तक कोर्ट में पेश होने से बचते रहने पर सफाई देते हुए कुलकर्णी ने कहा कि वो चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही विदेश चले गए थे। तमिलनाडु सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के वित्त मंत्री ओ पेनीसेल्वन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। मामला तमिलनाडु में बन रहे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का है। प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के विरोध में तकरीबन 100 लोग अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रोजेक्ट पर काम रुकवा दिया था। गुजरात में राजनेताओं के बीच उपवास की सियासत शुरू हो गई है। पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर कांग्रेस के नेता शंकर सिंह बाघेला उपवास कर चुके हैं। अब BJP के पूर्व मंत्री गोवर्धन झड़फिया 51 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। गोवर्धन झड़फिया का कहना है कि ये उपवास मोदी सरकार के फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ है। झड़फिया ने कुछ समय पहले ही BJP छोड़कर महागुजरात जनता पार्टी के नाम से अलग पार्टी बनाई है। मोबाइल उपभोक्ताओं को आज से कंपनियों के अनचाहे कॉल्स और SMS से मुक्ति मिल जाएगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना नंबर रजिस्टर कराना होगा। अनचाहे कॉल और SMS के मामले में हर महीने अभी भी 4,500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल आज कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन नियम का ऐलान कर देंगे। इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं आज से कोई भी व्यक्ति एक नंबर से 100 से ज्यादा SMS नहीं कर पाएगा। दिल्ली में हेड कांस्टेबल की गोली से घायल सनी नाम की युवक की मौत हो गई है। सनी शनिवार से ही सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती था। गले में गोली लगने की वजह से सनी की हालत शुरू से ही नाजुक बनी हुई थी। शनिवार रात जब हेड कांस्टेबल अजय तोमर एक व्यापारी के साथ लूटपाट और कत्ल करके भाग रहा था, तभी सनी ने उसका पीछा किया था। पकड़े जाने की डर से अजय तोमर ने उस पर भी गोली चला दी थी।